गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर खिला है, कलर कितना प्यारा है। हम लोग इस फूल को बोलते हैं जौबा फूल। आप लोग इस फूल को किस नाम से जानते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और फूल कितना अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, यानी कि फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है आप लोग को देख के ज़रूर बताना। ओके और बताइए, ये है कोकोडाइल का फूल, मतलब करेला का फूल, येलो कलर का, कितना प्यारा कलर है। हम लोग इसको बंगाली में बासंती कलर बोलते हैं। ये देखिए करेला हुआ है, करेला, इसको मैं कोकोडाइल बोलती हूँ, नाम भूल जाती हूँ ना बार बार। एक है इधर, और कहाँ है, और बहुत सारे अंदर अंदर है, पता नहीं चलता है। ये देखिए इसमें है, देख पा रहे हैं, ये देखिए और भी है, ऐसे ना पता नहीं चलता है, बहुत सारे अंदर अंदर होके रहता है। और देखिए गुआवा का, अमरूद का पेड़, अमरूद ही बोलते हैं ना, ये देखो अंदर हुआ है, तोड़ लेते हैं। हाँ और थोड़ा सा होगा, कच्चा है, अंदर में बहुत सारे अमृत हुआ है। ये पड़ोसी के घर के अंदर चला गया है, इतना सुंदर हवा दे रहा है। ये देखो भरा हुआ है, देखो इधर बैगन का पौधा, ऊपर भी है अमरूद, हाथ नहीं जाएगा, ये वाला पक गया है। छोटा मोटा पौधा है इधर खाने लायक जैसा, थोड़ा सा जंगल होकर रखा है क्योंकि साफ सुथरा नहीं हुआ है ना, इसीलिए साफ सफाई नहीं हुआ है इसीलिए। सो अभी कितना टाइम हो रहा पता है, अभी 2:10 बाकी है। लंच बंच हो गया है, लंच बंच करके अभी बाहर आई हूँ। ये देखिए करेला, ये उस तरफ जा रहा है, इसको खींच लेते हुए देखिए, उस तरफ जा रहा था, उस तरफ में भी करेला होके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने खींचा ना अभी, ये देखिए इसमें, अच्छा लगता है, बहुत प्यारा। मेरे मुझे ना पेड़ पौधे का बहुत शौक है, बहुत, लेकिन टाइम नहीं मिलता है ना ये सब देखभाल करने के लिए, इसीलिए करती नहीं हूँ, लेकिन कोई करता है तो मुझे अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए पापा ने कोचू शाक लगाया है और मैंने पुई शाक लगाया है, ये देखिए पुई शाक लगाया मैंने। पाका आचे बहुत धूप है, लेकिन बादल होके रखा हुआ है, देखिए आसमान का व्यू कुछ इस तरह से है। बारिश होना चाहिए, कोलकाता में इतना भयानक गर्मी पड़ा है ना, इंसान पूरा तबीयत खराब हो रहा है, तड़प रहा है गर्मी से, बारिश नहीं होगा तो इंसान कैसे बचेगा यार। वो देखिए करेला अंदर पूरा पक के येलो हो गया है अंदर, चले मैं दिखाती हूँ। गाइस अंदर बहुत सारे प्यारा पक्के हैं, पका हुआ है, पापा को बुलाती हूँ तोड़ने के लिए, रुको। देखिए तोड़ के लेके आई हूँ, ये और ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन मैंने इतना साइज़ का ही तोड़ा क्योंकि इतना साइज़ का ही खाने में अच्छा लगता है। इससे भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है अंदर ही अंदर, बहुत देख रहे हैं ना, जंगल जैसा होके रखा हुआ है अंदर अंदर, 2-3 अभी भी है इस ऐसे साइज का, इससे बड़ा भी है अंदर से। पापा को बुलाकर पापा को बोलूँगी तोड़ के देने के लिए।
और करेला इतना साइज का होकर पक गया है, अंदर है पूरा। आकाश तो देखो बाबा कि दारुण लागछे, ग्रे कलर और पिंक कलर। शाम के 6:30 बज रहे हैं, पापा नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी फ्रेश होकर एकदम बैठी हूँ। हवा चल रहा है बहुत प्यारा सा एकदम। और मेरा बैकग्राउंड देखिए, आसमान कितना सुंदर नजारा है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी टेरिस पे बैठी हूँ और सुबह दोपहर पे आपके साथ मिली थी जब गार्डन में थी, छोटा सा गार्डन से। तो उसके बाद से मैं ब्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा सो गई थी, इसीलिए टेरिस पे आई हूँ। बहुत गर्मी है तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग कैमरा शूट कर ही लेते हैं, मतलब कैमरा ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इतना सुंदर प्यारा नज़ारा कौन मिस कर सकता है। सो इसीलिए मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन कर लेते हैं। बस ये कपड़ा धो के सूखने के लिए डाल दिया है, जस्ट नहा के आई हूँ फिर से। गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि नहाने का मन करता है। पापा नीचे गए हैं शाम का दिया बत्ती करने के लिए। ये देखिए लाइट वगैरह अभी भी मेरा जल घर में दिवाली लाइट अभी भी जलता है। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखिए बाहर का कुछ नज़ारा कुछ इस तरह से है। बारिश आने वाला है कोलकाता में, बादल होके रखा हुआ है। कितना प्यारा नज़ारा, सुंदर। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। फाइनली आज बारिश हो ही गया। सभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, सुबह का टाइम है दोस्तों। देखिए पूरा टेरिस भीग गया है और इस तरफ कितना अच्छा लग रहा है। ये फ्लावर भीग गया ना, और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है फ्लावर का कलर। ये ना लोबोंगो लोटिका है, लॉन्ग जैसे दिखता है ना उस तरह से रेड कलर का फ्लावर होता है इसमें। और जब जोरों से हवा चलता है तो पापा का ये प्लेन घूमता है फैन, और इससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्रिएट होता है। आपको तो दिखाया है, अगर आप पुराना मेरा व्यूअर्स है तो आपको पता है। अगर न्यू सब्सक्राइबर या न्यू व्यूअर्स ऐड हुए हो मेरे चैनल में तो उनको पता नहीं है ये पापा ने मेरा इन्वेंशन किया है। ये हवा से फैन घूमता है, इससे इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिक मतलब पैदा होता है, ऐसा ही कुछ। आई डोंट नो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई या नहीं। अभी लंच करने के लिए बैठी हूँ। मम्मी ने आज क्या क्या लंच पे बनाया चलिए आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने लंच पे बनाया है पुई साग का सब्जी, इल्सा फिश का हेड देकर, कतला फिश का करी, और पम्पकिन साग बनाया है, और परवल बाटा बनाया है। यही आजकल लंच।